हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी पॉइंट पे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम अपने पास 24 तारीख को हुआ था मार्च में, उसके आंसर की आ गई है। अब देखिएगा, आंसर की जो आई है अपने पास, वो आंसर की अपने पास अधीनस्थ बोर्ड की ये है। और जो पेपर था अपने पास, पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर का कोड था 54। पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से। ये अपने पास पेपर था, इससे आप मैच कर लीजिएगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। पेपर और आंसर की ये मास्टर पेपर है, मास्टर की आपको दे रखी है, वो अधीनस्थ की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेन बात जो होगी अपने पास कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। कि देखिएगा, CTI ने क्या किया था, सॉरी अधीनस्थ बोर्ड ने क्या किया था, इस वाली वैकेंसी में CTI वाले बंदों को 30% का वेटेज दिया था। अब हम कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ किस तरीके से निकलेगी। तो देखिएगा, कट ऑफ किस तरीके से, देखिए जिन बच्चों को CTI यानी जिन्होंने CTI कर रखी है, तो CTI वालों को अपने पास जो वेटेज दिया गया था वो 30% का दिया गया था। यानी कि उनको अपने पास क्या होगा, 30 अंक मिलेंगे किसके, जो उन्होंने CTI, मान लीजिए CTI में उसका परसेंटेज कितना है, 80 है, तो ठीक है, तो उसके अंक कितने हो जाएंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 30 से, तो उसके अंक होंगे अपने पास 24। यानी कि उस बंदे को 24 अंक तो पहले से मिल गए हैं, ठीक है। बाकी इसका जो एग्ज़ाम था वो अपने पास 150 नंबर का था, लेकिन CTI वाले बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम हो जाएगा कितने नंबर का, 120 नंबर का। कितने का हो जाएगा, 120 नंबर का, जहाँ एक क्वेश्चन उसके क्या होगा अपने पास, एक क्वेश्चन जो होगा अपने पास वो कितने नंबर का हो जाएगा CTI वाले बंदों के लिए, वो हो जाएगा 0.8 का। तो यहाँ अपने पास मान लीजिए कोई CTI वाला बंदा है, उसके अपने पास अब उसने आंसर की देखी होगी और उसके नंबर कितना आ रहे हैं, 100। तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो उसके मार्क्स बनेंगे 80, ठीक है। और ये 80 मार्क्स किसमें, इसमें 80 में कितने ऐड हो जाएंगे, 24 मार्क्स ही ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने मार्क्स बनेंगे, 104। तो यहाँ पर जो भी मैंने जिन बंदों से पूछा है उनके कट ऑफ या फिर जो भी मार्क्स बन रहे हैं, अधिकतर उनके मार्क्स आ रहे हैं विथ CTI 104, 102, 101। और जो अपने पास अनरिजर्व कैटेगरी है, वहाँ जो बच्चों से पूछा गया है, तो उनके मार्क्स जो आ रहे हैं अपने पास 106, 104, 109, 100, 102, इसके आसपास उनके मार्क्स बन रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। तो जो जनरल की कट ऑफ जाने की कम्प्लीटली जो पूरी पूरी संभावना, वो अपने पास होगी 100 से 105 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहेगी। और जो अपने पास OBC की कट ऑफ होगी वो 95 से 100 के बीच में रहेगी। ST SC की कट ऑफ जो रहेगी अपने पास 80 to 95 के बीच में रहेगी, क्योंकि ST SC की जो पोस्ट हैं वो अपने पास बहुत कम थी। टोटली जो पोस्ट थी इसमें 43 थी जनरल की, टोटल पोस्ट थी 91, ठीक है। इनमें से भी अपने पास क्या थी कि जो बाकी अदर कैटेगरी वाइज इसे डिवाइड कर रखा था, तो जो टोटल जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो अपने पास अनरिजर्व के लिए रहने वाली है 100 से 105 के बीच में, OBC के लिए रहने वाली है 95 से 100 के बीच में, और 80 से 95 के बीच में रहेगी ST SC की। तो आप अपने आंसर की और नंबर मैच करके देख लिए, और यदि आपके नंबर इसके बीच में बन रहे हैं तो आप श्योर हैं आपका सिलेक्शन कम्प्लीटली हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट